छत्तीसगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी सरजमी को नमन करता हूँ। यहाँ की माटी को अपने माथे पर चंदन के रूप में लगाते इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार सदैव नेताजी के मान सम्मान स्वाभिमान समाजवादी विचारधारा पार्टी की सोच को जो ताकत दी है आजमगढ़ के लोगों ने, ऐसी शानदार सरजमी की सेवा का मुझे अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, यहाँ के क्षेत्र के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, मैं सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला लिया, हमारे स्थानीय नेताओं ने यह फैसला लिया, मैं सभी की उम्मीदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ का जो तरक्की खुशहाली और विकास का समाजवादियों के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, सदैव नेताजी ने आजमगढ़ को न केवल विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की थी, बल्कि मैं आज फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं, आजमगढ़ की विकास की एक एक ईंट पर या तो सदैव नेताजी का या माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने से का सवाल हो, आजमगढ़ को पीजीआई लाने का सवाल हो, आजमगढ़ के अंदर जिस भी विकास और तरक्की की हवाई अड्डे से लेके आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि सदैव नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही इसकी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले गए। जहां एक और नेताजी और माननीय अखिलेश जी या समाजवादी नेताओं ने लगातार आजमगढ़ का ख्याल रखा, वही फख्र के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, चाहे कितनी भी चुनौतियां रही हो, आजमगढ़ के जनमानस ने कभी समाजवादियों को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे याद है बचपन से जब मैं सदैव नेताजी के सानिध्य में रहता था, पढ़ता था, उनके पास रहता था, समाजवादी पार्टी के सामने समाजवादी विचारधारा के लिए अगर कोई भी बड़ी चुनौती आई तो आजमगढ़ की ओर नेताजी ने रुख किया, और जब नेताजी ने आजमगढ़ की ओर रुख किया तो केवल रुख ही नहीं किया, बल्कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी विचारधारा को एक नई ऊंचाई देने का हर संभव काम किया है। और मैं समझता हूं मेरे जैसे या किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी की सेवा का, आजमगढ़ के लोगों के बीच रहने का अगर कोई मौका मिलता है तो मैं समझता हूं उस कार्यकर्ता का सौभाग्य है, ये फख्र का विषय है हमारे लिए। इसलिए आज इस मौके पर जहां स्वर्गीय राम बच्चन जी, स्वर्गीय चंजी जी, स्वर्गीय राम नरेश जी से लेकर सदैव नेताजी ने क्षेत्र के लोगों की सेवा की हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान को जिस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ाया हो, ऐसे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मैं भरोसा और यकीन दिलाता हूं आप सबके माध्यम से, मीडिया के लोगों आपके माध्यम से, कि आजमगढ़ के लोगों आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली में हम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। एक अलग बात जो आजमगढ़ में है, जो हो सकता है कुछ दिनों में ना हो, वो एक अलग तेवर है। आजमगढ़ के लोग हमेशा क्रांतिकारी राजनीति का काम किए हैं, आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार को अस्वीकार किया है, और अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर जंग की कहीं शुरुआत होती है तो ये आजमगढ़ की ही सरजमी है। जहां पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के तौर पे आजमगढ़ को माना जाता है, उसी आजमगढ़ के लोगों के बीच आज मुझे फख्र है कि पार्टी ने मुझ पर एक बार फिर यकीन भरोसा करके भेजा है, और मैं पार्टी को और आजमगढ़ के जनमानस को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। आजमगढ़ के निरहुआ जी को चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं ऊपर, उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूं, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए और माननीय अखिलेश यादव जी तक चले आइए, वो
केवल समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की होगी। पूरी तरह से आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पीडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के आजमगढ़ की सरजमी से जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जो हम बैठे हैं तो हमारे दसों विधायक हैं। आर्य जमाली साहब की कमी थी, मुझे फख्र और गर्व इस बात का है, इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। मुझे याद है सज्जन नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा, जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सठियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में सज्जन नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आर्य अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में एक विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी आजमगढ़ के। भाइयों आपको याद होगा, तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर, जो जाने कब की बनी हो, उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए, और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। हमारी पार्टी लगातार सक्रिय है इस क्षेत्र से, जिस इलाके में ये हवाई अड्डा है गोपालपुर विधानसभा, यहाँ से हमारे विधायक भाई नफीस जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर पूरी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय रही। कई बार लखनऊ में मेरी इस मुद्दे पे बात हुई, और जाने की जहां तक सवाल है, आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाने में न कोई संकोच है बल्कि सौभाग्य है कि आजमगढ़ के हर व्यक्ति का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आपको नहीं महसूस हुआ क्या? यहाँ की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनकी समस्या आप डायरेक्ट सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सुनी है, और यहाँ की जनता को यही यकीन ना होता तो हमारे 10 के 10 विधायक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कैसे जीतते। लगातार हर चुनाव दर चुनाव देश में प्रदेश में कहीं भाजपा के लोग जीते हो, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने कभी बीजेपी के लोगों को जीतना नहीं दिया। एक ही जीत हुई, एक एक्सीडेंटल जीत है, उसका लोगों को अफसोस भी है, एहसास भी है, और इस चुनाव के परिणाम जब आएगा 4 जून को, तब आप महसूस करोगे कि आजमगढ़ के लोगों ने किस तरह जवाब दिया है। अब छोड़िए उनके बीच उनके भरोसे दरोगा, उनके भरोसे पर दारा सिंह जी भी लड़ रहे थे बगल के जिले से, इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ न कहलवाओ। दारा जी भी तो पुलिस की भर्ती के बारे में इतना ही कहूंगा, जिस तरह से प्रदेश के 50 लाख नौजवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, बहाना, धोखा, जिन भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे प्रदेश के नौजवानों के साथ हुआ है। और जब से योगी जी की सरकार बनी है, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, हर परीक्षा पूरी तरह से उसके पेपर लीक होके नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। 7 सालों में हमारे लाखों करोड़ों नौजवान ओवरएज हो गए हैं,
उस बात का जवाब बीजेपी के लोग दें। और जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 80 जिताओ रोजगार पाओ, ये समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की पार्टी हमारी, आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, एनडीए को हटाएगी और बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों को हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ हमारी पूरी समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी, हमारी पार्टी का संगठन, हमारे दसों विधायक, हमारे माननीय एमएलसी लोगों ने लगातार सेवा की है पार्टी की, इस क्षेत्र की जनता की। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं आपको यही यकीन दिलाता हूँ, बदायूं में भी घर बना के रहा हूँ और आजमगढ़ में भी मेरे आने से पहले घर बन रहा है और उसी घर में रहकर इस क्षेत्र के लोगों की जो सेवा की आवश्यकता होगी वो करेंगे। और आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ, क्षेत्र की जो सेवा करेंगे करेंगे, साथ ही आजमगढ़ के लोग केवल स्थानीय राजनीति नहीं करते, आजमगढ़ के लोगों की नजर देश और प्रदेश की भी राजनीति पर बहुत रहती है। तो मैं आजमगढ़ वालों को यह भी यकीन दिलाता हूँ, जो उनके क्रांतिकारी तेवर है, जो उनका राजनीति में मान सम्मान स्वाभिमान और गौरव है, उस गौरव को यहाँ से लेके देश की संसद तक बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखूंगा, ये मैं आजमगढ़ वालों को भरोसा दिलाता हूँ। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मासूमों की जान गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बीजेपी के लोग जो बात करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर संभाल रखा है, सवाल उनसे करने की जरूरत है। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।